एवरीमन आज हमारे बीच में बहुत यंग लेकिन बहुत वास्ट नॉलेज रखने वाले स्पीकर मिस सबरीना यामीन मौजूद हैं। इन्होंने इनकी एम एस सी दो हज़ार बाविस में एटी सेवन परसेंटेज के साथ कम्प्लीट की इनका इस स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इन्होंने काविश फाउंडेशन से यू पी एस सी का बेसिक कोर्स कम्प्लीट किया है और अभी इनकी यू पी एस सी एग्ज़ाम की तैयारी जारी है शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ मैं सबरीना यामीन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना इंट्रोड अपना लेक्चर स्टार्ट करें थैंक यू सो मच मैम एंड गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल ठीक है तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी ठीक है तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है है ना बट इंडियन पॉलिटी है क्या ठीक है तो इंडियन पॉलिटी जो है जैसे हमारा केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिस्ट्री इंग्लिश इसी की तरह एक सब्जेक्ट है जो कि हमें बताता है कि हम हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं या जिस गवर्नमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या काम करेगी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना है वो कैसे फंक्शन करेगा वहाँ पर इलेक्शंस होंगे तो कैसे होंगे वहाँ पर जुडिशरी कैसी रहेगी अगर वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म है तो वहां पे पावर किसके पास ज्यादा है डिविजन ऑफ पावर्स किस तरह से है तो ये सारी चीजें हम जो पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट में उसको कहते हैं पॉलिटी ठीक है अब इंडियन पॉलिटी को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है ठीक है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी से हमारी मुलाकात इस यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के सफर में कहां कहां पर होने वाली है सबसे पहले तो हमारी मुलाकात इंडियन पॉलिटी से प्रीलिम्स में होगी जीएस प्रीलिम्स का जो पेपर होता है प्रीलिम्स में वहां पर होगी और सेकेंड हमारी मुलाकात इंडियन पॉलिटी से होगी जीएस टू में जो कि मेन्स में आपका एक टू फिफ्टी मार्क्स का होल एंड सोल पेपर है ठीक है इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडियन पॉलिटी अपने आप में एक बहुत अहमियत रखता है अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी का ठीक है टू तो थाउजेंड में इंडियन पॉलिटी से 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बाद थर्टीन दिन फिफ्टीन और लास्ट जो करंट जीएस प्रीलिम्स हुआ है 23 में उसमें इंडियन पॉलिटी से 15 क्वेश्चंस आए थे ठीक है तो इसीलिए इंडियन पॉलिटी एक इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है सिविल सर्विसेज के लिए ठीक है अब हमें तो यह पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं बट अब क्वेश्चन ये अराइट होता है कि पढ़ना क्या क्या है कहाँ से पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है है ना तो आजकल हम जहाँ कहीं भी जाते हैं अगर हमें किसी जगह पर जाना है तो हम गूगल मैप्स का यूज करते हैं राइट गूगल मैप्स हमें रास्ता बताता है कि हमें यहाँ यहाँ जाना है या फिर जो भी रास्ता है वो हम उसके उससे देख जाते हैं तो उसी तरह से यूपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो यूपीएससी ने रिलीज किया है वो हमारे इस यूपीएससी के सफर में एज अ गूगल मैप काम करेगा ठीक है तो ऑफिशियल सिलेबस आपको यूपीएससी का फॉलो करना है फॉर जीएस प्रीलिम्स एज वेल एज दी जीएस मेंस जीएस टू ठीक है तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस में वो कुछ इस तरह से आते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना है हिस्ट्री क्या है फिर उसके फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट है डीपीएसपी पी एस है ट्रीएम्बल है फेडरालिज्म है इस तरह से काफी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इसमें पढ़ना है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओके okay, तो पहले बुक लिस्ट देख लेते हैं ठीक है तो अब ये पढ़ने के लिए हमें बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी है एनसीआरटीज सिक्स क्लास से लेकर ट्वेल्थ तक की एनसीआरटीज हमें फॉलो करनी है एंड प्लस रेफरेंस बुक्स इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत ठीक है सिक्स टू ट्वेल्थ की एनसीआर टी एस फॉलो करने से हमारा बेसिक्स बनेगा फाउंडेशन अच्छा होगा और जब हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत या कोई और रेफरेंस बुक पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर रहेंगे तो हमें ये बुक ईजिली समझ आ जा जाएगी ठीक है इसके अलावा करंट अफेयर्स को भी फॉलो करना है उसके अलावा सिविल सर्विसेस क्रॉनिकल एक मैगजीन आती है वो भी हमें फॉलो करना है ठीक है उसके बाद देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है क्वालिटी के तरफ बढ़ते हैं ठीक है उससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि सबने कभी ना कभी लाइफ में फुटबॉल क्रिकेट हॉकी या इस तरह से कुछ गेम्स तो खेले ही होंगे है ना तो अब फुटबॉल फुटबॉल का नाम सुनते ही हमें समझ आता है कि ये एक ऐसा गेम है जिसमें फुट का यानी कि पैर का प्लेयर के पैर का यूज किया जा रहा है एक ऐसा गेम है जिसको पैर से खेला जाना है फीट का यूज करना है है ना तो ये फुटबॉल का रूल हमें इस तरह से बताता है कि अगर फुटबॉल को आ, किसी प्लेयर का हाथ लग जाता है तो उसको हम फूल मानते हैं है ना तो उसी तरह से ना हर गेम का एक रूल होता है जिसकी वजह से वो डिफ्र डिफ्रेंशिएट होता है अब अगर फुटबॉल में फुटबॉल के गेम में किसी प्लेयर ने फुटबॉल को पैर से ना खेलते हुए फुटबॉल को अपने हाथ में पकड़ लिया तो क्या होगा पूरा का पूरा रूल ही चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा तो उसी तरह से ना कुछ रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को उसी तरह से कुछ रूल्स सोसाइटी के लिए भी होते हैं है ना कुछ रूल्स सोसाइटी के लिए भी होते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन के लिए होते हैं अलग 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 जगह पर अलग अलग रूल्स होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूटिव जो रूल्स होते हैं उसको हम क्या, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स ठीक है जो डिफाइन करेगा कि एक पर्टिकुलर Uh, जो भी चीज है सोसाइटी है इंस्टीट्यूट है जो भी है गेम है उसके रूल्स क्या है वो किस तरह से काम करेगा ये सब उसमें हमको देखने को देखने को मिलेगा ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ कंट्री और अ स्टेट विल रन और फंक्शन ठीक है अब देखिए अब सबके घर में ना कुछ ना कुछ रूल्स होंगे किसी के घर में ये रूल होगा कि कोई शाम में नौ बजे के बाद घर के बाहर नहीं जा सकता या किसी के घर में ये रूल होगा कि कोई सुबह सबको पाँच बजे उठ जाना है है ना बट क्या ये रूल्स लिखे हुए है? हमारे घर में जो रूल्स हैं या मम्मी के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों के लिए तो क्या मम्मी ये रूल्स कहीं पर लिख कर रखती है कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं ऐसा नहीं होता है राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी ना दो टाइप है जो रूल्स है ना उसके भी दो टाइप्स है एक तो वो रिटर्न हो सकता है कहीं पे लिखा हुआ हो सकता है या वो अनरिटर्न हो सकता है तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है बट अगर हम ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन देखें ना तो वो रिटर्न नहीं है वो लिखा हुआ नहीं है ठीक है तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन और उसके टाइप्स अब क्यों कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नेसेसरी है एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा तो अभी हमने देखे कि वो एक बेसिक रूल बताएगा ठीक है वो एक बेसिक रूल बताएगा कि एक सोसाइटी या आ, एक इंस्टीट्यूशन जो वो किस तरह से काम करेगा वो बताएगा कि अगर एक सोसाइटी है वहां पर पावर किसके पास ज्यादा है वो उसको लिमिट्स देगा फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं ठीक है थीके? एक क्लास है ठीक है एक क्लास का एक मॉनिटर है उसका नाम है मिंटू ठीक है एक मिंटू है अभी मिंटू क्लास मॉनिटर है अब मिंटू की जो क्लास टीचर है ना मिंटू की क्लास टीचर उसको कह के जाती है कि मिंटू मुझे प्रिंसिपल की तरफ से कुछ काम आया है तुम क्लास को मॉनिटर करो तुम देखो कि यहाँ पर कौन लोग कौन बच्चे शरारत कर रहे हैं ठीक है तो अभी मिंटू क्या करता है खड़ा हो जाता है बोर्ड के सामने जाकर और चिंटू बोलकर एक बच्चा होता है इसका क्लासमेट होता है चिंटू तो चिंटू का नाम ना जबरदस्ती वो वहां पे बोर्ड पे लिख देता है अब जब क्लास टीचर वापस आती है तो वो कह देता है कि चिंटू जो है तो बहुत शरारत कर रहा था इसने मेरी बात नहीं माना बट एक्चुअल में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है बट मिंटू ने ये क्यों किया क्योंकि मिंटू के पास पावर है ना उसको प्रिंस उसके क्लास टीचर ने पावर देकर गई थी कि तुम देखना कि नजर रखना कौन बच्चे शरारत कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा कि इस तरह से मिसयूज ऑफ पावर ना हो गवर्नमेंट में या किसी सोसाइटी में मिसयूज ऑफ पावर ना हो इसको जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन uh, प्रोवाइड uh, करेगा सम लिमिट्स उस पर uh, रखेगा ठीक है एक वो ये चीज भी देखेगा कि जो मोर पावरफुल ग्रुप है वो मोर पावरफुल ग्रुप लेस पावरफुल ग्रुप को डोमिनेट ना करे ठीक है तो इस तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन uh, uh, के uh, काम है जो वो करता है ठीक है इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ठीक है अब इसके बाद हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने देख लिया क्या है क्यों है ठीक है इंडियन पॉलिटी भी हमने देख लिया कि हमें कहाँ से पढ़ना है अब चलते हैं हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ उसकी तरफ उस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे उन्होंने हम पर हमारी कंट्री पर का, काफी रूल किया बहुत सारे चेंजेस लेकर आए बहुत कुछ हुआ फिर फ्रीडम स्ट्रगल हुआ फ्रीडम स्ट्रगल स्ट्रगल के बाद में हमें इंडिपेंडेंस मिला इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में फिर पार्टीशन हुआ इंडिया का है ना तो इन सारे सरकम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ 300 लोगों के करीब 299 लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने मिलकर दो ती, 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 तीन साल के लिए वो लोग मिले थे और उन्होंने मिलकर हमारे कंट्री ती, का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ठीक है अब ये बात सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है ये नाइनटीन में बन के रेडी हो गया था बट अडोप्ट हमने कब किए कमेंस कब से हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से हुआ ठीक है 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी था बट हमने लागू कब से किया इसे यस yes. Uh, 26 जनवरी 1950 से किया जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट uh, करते हैं क्यों हुआ ऐसा सवाल तो माइंड में आना चाहिए ना कि अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनके तो नवंबर में रेडी हो गया था तो फिर अभी क्यों उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वेट किया गया तो उसके पीछे का हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 1929 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था ना तो तब सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये आ, प्लेज लिए थे ये अहद लिए थे कि हम 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और उन्होंने उस वक्त ऐलान किया था कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए मतलब हमें पूरी आजादी चाहिए ब्रिटिशर्स से तो इस वजह से एक वो हिस्टोरिकल एक माइंडसेट था कि हमें ट्वेंटी सिक्स जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाना है ठीक है तो ये हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या है देखिए अभी लेटेस्टली आई फोन फिफ्टीन लॉन्च हुआ है राइट कुछ दिन पहले है ना तो आई फोन फिफ्टीन में ऐसी क्या खास बात है कि वो दो लाख का फोन है है ना दो लाख का फोन है कुछ तो खास बात होगी कुछ तो फीचर्स तो हम लोग क्या बता रहे उसके फीचर्स क्या है दो लाख का फोन है फीचर्स क्या है उसके तो फिर जब हम उसका फीचर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फ्रॉम द एज ऑफ द यूनिवर्स टू द पाम ऑफ योर हैंड राइट उसमें टाइटेनियम बॉडी है उसमें जी इतने की मेमोरी आपको मिलती है एंड वॉट ठीक है तो उसी तरह से ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ना हमें कुछ फीचर्स बताता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये ये सारी चीजें देखने मिलेगी जो कि काफी अलग है ठीक है काफी लोगों से तो उसके कुछ फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे कि इट इज द लेंदीएस्ट इन द वर्ल्ड एंड वी हैव बोरोड सो मेनी आर्टिकल्स एंड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है हमने कहाँ से लिए फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमने बाय जो है अः आ... लोकसभा राज्यसभा का जो कंसेप्ट है हमने ब्रिटेन से लिए हैं है ना इसी तरह से काफी अलग अलग चीजें हैं जो हमने अलग अलग कंट्रीज से अडॉप्ट की है उसी तरह से एक प्रियम्पल भी है हमारे पास जो कि हमें बेसिक जोसोफी बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बेसिस पे बनाया गया है जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलन टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक तो ये हमें बताता है कि हमारी जो कंट्री है वो रिपब्लिक है डेमोक्रेटिक है हम जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना हम इंडिया के लोग हैं तो ये बेसिक हमें बताता है फिलोसफी फिर गवर्नमेंट जैसे कि हमारे पास गवर्नमेंट यूनियन लेवल पर भी है ठीक है सेंट्रल लेवल पर भी है सॉरी स्टेट लेवल पर भी है सो वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स देन सेक्युलरिज्म सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट हमारा जो हमारी कंट्री किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट uh, नहीं करती है देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स देन वी हैव इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूपीएससी एंड सो मेनी ठीक है तो उसमें से आज जो हम इंपॉर्टेंट फीचर uh, है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स हम आज वो देखने वाले हैं ठीक है तो अब सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है सेपरेशन ऑफ पावर्स से मोटा मोटा अगर देखे तो समझ आ जाता है कि पावर को सेपरेट हमने किया है उसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स अब सेपरेशन ऑफ पावर्स हमने तीन तीन अलग अलग बॉडीज बनाई है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी दीज आर द थ्री ऑर्गन्स वी कॉल इट एज अ थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है लेजिस्लेचर क्या है लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट ना पार्लियामेंट है जो लोकसभा राज्यसभा है ठीक है लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी है जो रूल्स बनाएगी जो लॉज बनाएगी ठीक है अब लेजिस्लेचर पार्लियामेंट लेजिस्लेचर किन से मिलकर बनता है पार्लियामेंट से बनता है और पार्लियामेंट किन लोगों से मिलकर बनता है सबसे पहले प्रेसिडेंट यस लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है बट पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा नहीं है प्रेसिडेंट इट्स इज अ पार्ट ऑफ लोक पार्लियामेंट ठीक है तो प्रेजिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनेगा हमारा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव नेक्स्ट ऑर्गन इज एक्टिव एग्जीक्यूटिव क्या है एग्जीक्यूटिव इज के जो लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाई है ना तो वो एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करेगी एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो उनको इम्प्लीमेंट करे अब एग्जीक्यूटिव किन लोगों से मिलकर बनता है इट इज प्रेजिडेंट ओके एग्जीक्यूटिव में ना पहले दो टाइप्स होते हैं ओके नेक्स्ट ठीक है तो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ना इट इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीड बाई द लेजिस्लेचर एक बात यहाँ पे जानने वाली ये है याद रखने वाली यह है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है लाइक लेजिस्लेचर like, uh, क्या काम कर रही है ये एग्जीक्यूटिव देखेगी एग्जीक्यूटिव ने सही से काम किया है या नहीं ये लेजिस्लेचर देखेगी बट जुडिशरी जब थर्ड ऑर्गन है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स में गवर्नमेंट का जो थर्ड ऑर्गन है जुडिशियरी इट इज टोटली इंडिपेंडेंट वो टोटली totally इंडिपेंडेंट है ठीक है हाँ जुडिशरी लेजिस्लेचर बराबर काम कर रहा है या नहीं एग्जीक्यूटिव बराबर काम कर रहा है या नहीं ये देखेगी बट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जुडिशियरी के फैसलों में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन उसे अलाउ ही नहीं करता है ठीक है अब एग्जीक्यूटिव वापस आते हैं एग्जीक्यूटिव पे एग्जीक्यूटिव क्या है कैसी ब्रांच है जो कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज जो कि लेजिस्लेशन ने बनाए हैं उस पर नजर रखेगी ठीक है अब टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं एक तो है पॉलिटिकल और एक है परमानेंट अब पॉलिटिकल से समझ आ रहा है कि हाँ ये कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड है इलेक्शन रिलेटेड है है ना तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हम टेम्पररी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं ये होते है, प्रेजिडन, प्रेजिडन, हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ठीक है और होते हैं एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो के है सिविल सर्विस जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं ठीक है सो so, uh, हमारे पास एक चांस है कि हम सिविल सर्विसेस की तैयारी करके परमानेंट एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट uh, बन सकते हैं ठीक है ओके कमिंग टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हेड ऑफ गवर्नमेंट्स एंड मिनिस्टर्स जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेजिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया ठीक है लोकसभा और राज्यसभा के सबार, सबार जो मेंबर्स होते हैं उनको सर्टन पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं जैसे होम मिनिस्ट्री का डिफेंस का फाइनेंस का ऐसे अलग अलग पोर्टफोलियोज uh, दिए जाते हैं उनको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज सम लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है अटोर्नी जनरल को लीगल एडवाइजर भी कहते हैं अटोर्नी जनरल जो है वो लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए ठीक है नेक्स्ट तो आज हम देखने वाले हैं प्रेसिडेंट ओके प्रेसिडेंट तो कौन है हमारे करंट प्रेसिडेंट यस करंट प्रेसिडेंट इज द श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वो हमारी करंट प्रेसिडेंट है सो so, प्रेसिडेंट पार्ट फिफ्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल फिफ्टी टू टू सेवेंटी एट डील्स विद्जीक्यूटिव टू फिफ्टी टू आर्टिकल फिफ्टी टू हमें बताता है कि प्रेजिडेंट क्या है उसके पावर्स एंड ठीक है तो प्रेजिडेंट जो है ना प्रेजिडेंट इंडिया का सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल नॉमिनल हेड है प्रेजिडेंट इज दिनल हेड ऑफ द स्टेट वेर एज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट देर इज अ डिफरेंस हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है अब प्रेजिडेंट जो है प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द थी कंट्री ठीक है कंट्री अब प्रेजिडेंट के पास ये पावर है कि वो जो भी काम करेंगे ना वो मिनिस्टेरियल एडवाइस पे करेंगे उनके पास वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते उनकी पावर बस ये है कि मिनिस्टर जो उन्हें एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स उनको वो करना पड़ेगा उनको वो वो चीज उन पर बाउंड है कि उनको उस उसपे काम करना है उनको वो करना है ठीक है तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट बट अगर हम यूएसए की यूएसए को देखें इसको देखें यूएसए को देखें अमेरिका के प्रेजिडेंट को देखें तो अमेरिका के जो प्रेजिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो दोनों भी हेड ऑफ द स्टेट भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है ठीक है अब इलेक्शन होंगे अब जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे ना तो वो इलेक्शंस के थ्रू होंगे और इलेक्शंस जो होंगे वो इंडिरेक्ट इलेक्शंस होंगे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होंगे क्या हमने कभी डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में जाके वोट दिया है नहीं दिया है तो हम वी द पीपल हम लोग क्या करेंगे इनडिरेक्टली हमारे एम और एम को इलेक्ट uh, करेंगे और एम और एम फिर जाकर प्रेजिडेंट uh, के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ही इलेक्शन होंगे अब तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि दो टाइप के इलेक्शन होते हैं इलेक्शन जो होंगे ना वोटिंग जो होगी दो टाइप की होगी एक होगी फर्स्ट पॉजिटिव पोस्ट सिस्टम और एक होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फर्स्ट पॉजिटिव पोस्ट सिस्टम में जिसको सबसे ज्यादा वोट्स आ गए वो जीत गया ठीक है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होगा हमको प्रेफरेंस डालना पड़ेगी फर्स्ट प्रेफरेंस सेकेंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस इस तरह से प्रेफरेंस डालेंगे हम और फिर जिसको सबसे कम वोट्स के होंगे ट्रांसफर होंगे the, uh, the, uh, तो इस तरह से ये इलेक्शन होते हैं इनडिरेक्टेड इलेक्शन है, है. Uh, जब इलेक्शन हम पढ़ेंगे वो, उस टाइम पर इसे हम काफी डिटेल में देखेंगे ठीक है अब इलेक्शंस में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे only the elected members of legislative assemblies of particular uh, of the states and union territories and plus the member elected members of parliament, ठीक है? Parliament में कितनी है कितने लोकसभा के कितने लोकसभा में कितने MPs हैं? 543 ठीक है all are elected तो ये 543 and plus राज्यसभा में 12 nominated भी होते हैं ठीक है प्रेसिडेंट की एक ये पावर भी है कि प्रेसिडेंट जो है ना ट्वेल्व को अपनी तरफ से नॉमिनेट करते हैं वो इलेक्शन से नहीं आते ठीक है तो मेंबर्स नॉमिनेटेड जो है वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे ठीक है इलेक्टेड मेंबर्स जो है राज्यसभा के लोकसभा के एंड प्लस लेजिस्लेटिव असम्बलीज के अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद एंड विधानसभा दोनों है है ना एम एंड प्लस एम एल है तो इस इलेक्शन में एमएलसी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल uh, के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओनली द मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक है अब यह इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड करवाएगा ठीक है उसके बाद में टर्म uh, कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट प्रेजिडेंट पाँच साल के लिए इलेक्ट होते हैं पाँच साल के लिए हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होते हैं लेकिन अमेरिका के अगर हम देखें तो वहां के जो प्रेसिडेंट है वो चार साल के लिए इलेक्ट होते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कितने भी बार री इलेक्ट हो सकते हैं अगर पहले वो पाँच साल के लिए बन गए फिर बाद में पाँच साल के लिए बनना चाहें तो वो बन सकते हैं उसके बाद अगर उनको पाँच साल के लिए और बनना है तो फिर वो उसके बाद और पाँच साल के लिए बन सकते हैं तो इस तरह से जो है ना उनके पास एनी नंबर ऑफ टाइम्स ही और शी कैन बी री इलेक्टेड एज अ फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ठीक है बट अमेरिका में ऐसा नहीं है अमेरिका में क्या होगा उन्हें सिर्फ दो टर्म के लिए चांस uh, मिलता है कि वो प्रेसिडेंट बने ठीक okay, so है जैसे कि फॉर एग्जांपल ओके सो बाराक ओबामा है ठीक है बाराक ओबामा जो है वो दो बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं बट अब उन्हें तीसरी बार अगर बनना है उनके चाहे कितनी भी विल पावर हो गए उनकी कितनी भी ख्वाहिश होगी मुझे अभी प्रेसिडेंट बनना है बट अब वो नहीं बन सकते क्यों क्योंकि उनके दो टर्म हो चुके हैं और उनका कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अलाउ ही नहीं करता है कि दो टर्म के बाद में कोई प्रेजिडेंट बन सकता है ठीक है बट हमारे इंडिया में अनलिमिटेड टाइम्स प्रेजिडेंट बन सकते हैं उसके बाद में आता है इम्पीचमेंट नो वट इज इम्पीचमेंट मुझे लगता है कि यहाँ पे सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो न्यू है तो उन्हें इम्पीचमेंट का वर्ड शायद आप लोगों ने पहली बार सुना है सो इम्पीचमेंट इज नथिंग बट इम्पीचमेंट इज अ रिमूवल ठीक है रिमूवल ऑफ प्रेजिडेंट जो होता है ना उसको टेक्निकल टर्म्स में इम्पीचमेंट कहते हैं ठीक है अब क्यों होगा प्रेजिडेंट का रिमूवल अगर होना है करना है तो फिर क्यों होगा अगर प्रेजिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो फिर क्या होगा उनका इंपीचमेंट हो सकता है उनका रिमूवल हो सकता है एंड दिस इज द कॉसी जुडिशियल एक्ट कॉसी जुडिशियल एक्ट मतलब के एक इन्वेस्टिगेशन होगी एक क्या होगी इन्वेस्टिगेशन होगी जो कि इन्वेस्टिगेशन आइदर ऑफ द हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर भी इनिशिएट हो सकती है अगर लोकसभा और राज्यसभा के कुछ मेंबर्स को लगा कि ये प्रेसिडेंट ने वायलेशन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो क्या करेंगे एक ऐसा वोटिंग होगी वहां पर कि हमें प्रेसिडेंट को रिमूव करना है फिर वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे लोग वहां पर इलेक्शन के टाइम पे ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे बट रिमूवल के टाइम पे नॉमिनेटेड में राज्यसभा पार्टिसपेट करेंगे एम एल एज है लेजिसलेटिव असेंबली रिमूवल के टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में ठीक है इम्पीचमेंट होगा कॉन्स्टि जुडिशियल एक्ट है आइदर ऑफ द हाउस वेदर लोकसभा राज्यसभा कोई भी इनिशिएट कर सकती है ठीक है फिर उनको वो फोर्टीन डेज का नोटिस देंगे प्रेसिडेंट को फोर्टीन डेज का नोटिस देने के बाद में फिर आ, उनके अगेंस्ट जो इंक्वायरी होगी तो वो इंक्वायरी जो होगी ना वो पार्लियामेंट करेगी यूजुअली क्या होता है यूजुअली कोर्ट uh, में जाते हैं अगर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना है तो कोर्ट में जाते कोर्ट या पुलिस जो ऐसा uh, ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं बट इन द केस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट क्या होगा पार्लियामेंट uh, इनिशिएट करेगा और पार्लियामेंट ही इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसको हम कहेंगे कॉसि जुडिशियल अब उसके बाद में आता है वैकेंसी अब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है है ना नहीं। दो वजह हो सकती है या तो उनका टर्म खत्म होने जा रहा है ना या तो उनके पांच साल कंप्लीट होने वाले हैं या तो फिर किसी वजह से हेल्थ इश्यू की उनकी डेथ हो जाती है या किसी वजह से उनका इम्पीचमेंट हो जाता है रिमूवल हो जाता है और या फिर वो खुद ही रि, रिजाइन कर देते हैं तो ये दो केसेस में प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है वो खाली रह सकती है ठीक है तो अब एक्सपायरेशन ऑफ टर्म है अगर टर्म का एक्सपायर टर्म एक्सपायर होने वाला है तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि इलेक्शन हेल्ड करवाएंगे और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक जो पुराने वाले प्रेसिडेंट है वो काम संभालते रहेंगे ठीक है नॉट अ बिग इशू बट अगर डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की सडन डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता है या प्रेसिडेंट खुद रिजाइन कर देते हैं उस केस में क्या होगा वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा एक्टिंग प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ छह महीने के लिए छह महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना पड़ेगा और फिर न्यू प्रेसिडेंट वहां पर लाकर बिठा दिया जाएगा एंड न्यू प्रेसिडेंट जो रहेगा फिर वो नेक्स्ट फाइव इयर्स के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा ठीक है बट अगर हम यूएसए के प्रेसिडेंट की बात करें यूएसए के प्रेसिडेंट को देखें तो चार चार साल का उनका टर्म है ठीक है अगर दो साल में प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो ऑटोमेटिकली अगले दो साल के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा बट इन केस ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है इंडिया में क्या होगा अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो छः महीने के अंदर अंदर हमें नेक्स्ट इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे छे महीने के अंदर अंदर नेक्स्ट इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे छह महीने में फिर वो न्यू प्रेसिडेंट uh, आ जाएगा और फिर वो ड्यूटीज परफॉर्म करने लगेंगे ठीक है बट अमेरिका में ऐसा नहीं है ठीक है दिस इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन प्रेजिडेंट ठीक है उसके बाद में अगर रिमूवल हो जाता है या फिर वो खुद रिजाइन कर देते हैं तो इस टर्म में भी इसमें भी क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तरह काम करेंगे और छह महीने के अंदर अंदर फिर इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के बाद में फिर न्यू प्रेसिडेंट वहां पर अपॉइंट कर दिया जाएगा और अगर प्रेसिडेंट uh, को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे वाइस प्रेसिडेंट को देंगे ठीक है अब अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट की वाइस uh, प्रेसिडेंट जो रहेगा वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगा अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो बट वॉट इफ द दोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वैकेंट प्रेजिडेंट की डेथ हो गई बट किसी वजह से वाइस प्रेसिडेंट भी अपनी जगह पर नहीं है तो फिर क्या होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे अगर वाइस प्रेसिडेंट की जगह खाली रही तो, तो ऐसा हमारे कंट्री में इंडिया में एक बार हो चुका है बैक uh, टू 1969, 1969 में जब uh, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे उनकी सडन डेथ हो जाती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे ना वीवी गिरी मिस्टर वीवी गिरी जो थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने बट फिर uh, वीवी गिरी को जो है uh, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा होना था तो फिर उन्होंने क्या किया वहां से रिजाइन कर दिया फिर जब उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया ने एज अक्टिंग प्रेजिडेंट कुछ टाइम के लिए काम किया ठीक है ठीक है अब पावर्स पावर्स की तरफ आते हैं प्रेजिडेंट की तो प्रेजिडेंट के पास काफी पावर्स है जैसे एग्जीक्यूटिव पावर है लेजिसलेटिव पावर है वीटो पावर है ठीक है एग्जीक्यूटिव पावर क्या है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे गवर्नर को अपॉइंट करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करेंगे चेयरमैन एंड यूपीएससी को अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे इसके अलावा उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी है काफी ठीक है एडमिनिस्टर करेंगे वो यूनियन को देखेंगे कि कौन सा काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है ये सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स पावर्स भी भी के पास होती है है इसके अलावा लेजिस्लेटिव अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पार्लियामेंट किन लोगों से मिलकर बनता है लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेजिडेंट तो अगर हमें कोई बिल है ठीक है अगर कोई बिल हमें लॉ बनाना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक बिल इनिशिएट होगा लोकसभा राज्यसभा में वहां से फिर वो बिल पास होने के बाद में किसके पास जाएगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा और जब तक प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन नहीं करेंगे तो वो बिल बिल ही रहेगा वो लॉ नहीं बनेगा ठीक है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि अगर वो साइन नहीं करते हैं तो फिर वो बिल जो है तो वो बिल ही रह जाएगा उसकी कुछ वैल्यू नहीं है इस पे, पीस ऑफ पेपर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद में वो बिल लॉ बन जाएगा एक्ट बन जाएगा ठीक है उसके बाद में लेजिस्लेटिव पावर एक ये भी है कि ही कैन और शी कैन नॉमिनेट मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम द ऑफ साइंस आर्ट्स लिटरेचर स्पोर्ट्स सोशल तरह से जैसे कि अभी रिसेंट में पीटी दाइंसा जो है है ना पीटी टी ऊषा जो एक प्लेयर है स्पोर्ट्स प्लेयर है वो जो है राज्यसभा की मेंबर है तो वो इलेक्ट हो नहीं आई है वो राज्यसभा में नॉमिनेट हुई है किसके थ्रू यस yes. किसके थ्रू इलेक्ट हुई है वो प्रेसिडेंट के थ्रू वो वहां पे राज्यसभा में नॉमिनेट uh, हुई है सॉरी इसी तरह से सचिन तेंदुलकर जो थे वो भी नॉमिनेटेड मेंबर में राज्यसभा के अब इसके बाद में एक uh, काफी स्पेशल पावर है ना जो प्रेसिडेंट की आती है वो आती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अब व्हाट इज ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस क्या है ऑर्डिनेंस इज नथिंग बट अ इमीडिएट लॉ अब बिल बनाने के लिए किसी लॉ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग बिल पास करते हैं लोकसभा में राज्यसभा में बट इफ आज के आज हमें इमीडिएट कोई एमरजेंसी में लॉ बनाना है तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे किसके पास जाएंगे क्या अर्जेंट में सिटिंग करवाएंगे लोकसभा राज्यसभा की नहीं इस इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कि वो इमीडिएट लॉ बना सकते हैं ठीक है दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक है बट अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ना ये ऑर्डिनेंस जो होता है ये टेम्पररी होता है ये परमानेंट नहीं होता है अगर परमानेंट होता तो आज तक तो न जाने ऐसे कितने लॉज uh, आ गए होते है ना जो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से बना लेते हैं तो ऑर्डिनेंस जो होते हैं ना उनकी लाइफ होती है उनकी एक एज होती है जैसे पर्टिकुलरली सिक्स मंथ्स के लिए वो होते हैं बट अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो फिर वीक्स तक उनकी मैक्स मैक्स टू एज होती है लाइफ होती है ठीक है सपोज सपोज कीजिए कि एक ऑर्डिनेंस आ गया गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस हमें दे दी कि फर्स्ट जनवरी से ना सबको रेड कलर का ड्रेस पहनना है ठीक है तो फर्स्ट जनवरी को ये ऑर्डिनेंस आ गया कि फर्स्ट जनवरी से सबको रेड कलर का ड्रेस पहनना है तो उसकी एज कितनी रहेगी? जनवरी से थर्टीथ जून तक तीस जून तक एक जनवरी से तीस जून तक आ, वो ऑर्डिनेंस की लाइफ रहेगी अब इस बीच में अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं आता है तो फिर क्या होगा फर्स्ट जुलाई को जब ऑर्डिने सेशन होगा पार्लियामेंट का तब हमें क्या करना पड़ेगा लो लोकसभा को और राज्यसभा को एक बिल पास करके पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा अगर इस ऑर्डिनेंस को परमानेंट करना है अभी तो ऑर्डिनेंस टेम्पररी है।, है ना अगर इस ऑर्डिनेंस को टेम्प्ररी इस लॉ को हमें परमानेंट करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा वापस से पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा बिल पास करना पड़ेगा लोकसभा में राज्यसभा में प्रेसिडेंट की साइन लेनी पड़ेगी फिर जाकर वो ऑर्डिनेंस जो है वो परमानेंट हो जाएगा ठीक है तो एक ऑर्डिनेंस uh, की एज कितनी होती है मैक्स टू मैक्स सिक्स मंथ्स एंड इफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज गोइंग टू स्टार्ट अगर वो सेशन uh, स्टार्ट होने वाला है तो फिर सिक्स वीक्स तक भी हम उसको जो है uh, उसकी एज होती है ठीक है अब इसके बाद में आते हैं वीटो पावर्स वीटो पावर वट इज वीटो पावर वीटो इज नथिंग बट टू कैंसल और पोस्टपोन अ डिसीजन ठीक है इस पावर को कहते हैं वीटो पावर अब सपोज के प्रेसिडेंट के पास एक बिल आता है हा प्रेसिडेंट के पास एक बिल आया तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे उसको या तो एक्सेप्ट कर लेंगे वो उनका एसेंट दे देंगे तो इस कंडीशन में जो आपका बिल है वो बन गया लॉ ठीक है बट अगर प्रेसिडेंट को उसको प्रेसिडेंट का दिल नहीं चाह रहा है कि मैं ये एक्सेप्ट करूं या प्रेजिडेंट को किसी वजह से वो गलत लग रहा है या कुछ है या प्रेजिडेंट का दिल नहीं चाह रहा है तो प्रेजिडेंट क्या करेंगे उसको कैंसल कर देंगे या पोस्टपोन कर देंगे ठीक है तो उस पावर को जो स्पेशल पावर जो है ना उस स्पेशल पावर को कहते हैं वीटो पावर ठीक है तो तीन टाइप के वीटो होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को तीन टाइप के वीटो पावर दिए गए एक होता है एप्सोल्यूट वीटो एक होता है सस्पेंसिव वीटो और एक होता है पॉकेट वीटो एप्सोल्यूट वीटो का क्या है प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे मुझे वो कर देंगे, तो ये हो जाएगा अगर ने बिल, एक बिल को वापस भेज दिया लोकसभा या राज्यसभा के पास रिकंसिडरेशन के लिए ठीक है रिकंसिडरेशन कहते हैं उसको रिकंसिडरेशन के लिए अगर प्रेसिडेंट ने एक बिल को वापस भेज दिया तो उसको हम कहेंगे सस्पेंसिव वीटो <laughs> सॉरी और अगर एक होता है पॉकेट वीटो अगर प्रेसिडेंट ने वो बिल लिया और खामोशी से अपने पॉकेट में रख लिया तो वो होता है एक टाइप का पॉकेट वीटो इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास काफी पावर्स होते हैं जैसे मिलिट्री पावर होती है प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस इंडियन आर्मी नेवल फोर्स ठीक है इन सब का कमांडर इन चीफ होते हैं चीफ कमांडर इन चार्ज भी कहते हैं जिसको ठीक है उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है तो आ, पार्डनिंग uh, पावर्स भी होती है उनके पास वो अंडर uh, सम वो जो है तो कुछ जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं ठीक है तो ये सारे जो है तो ये प्रेसिडेंट uh, और उन uh, की पावर के बारे में ठीक है तो इस इस टॉपिक से यूपीएससी सिविल सर्विसेज में काफी क्वेश्चन आते हैं काफी ईजी और काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं ठीक है तो क्वेश्चन uh, देखते हैं ठीक है तो क्वेश्चन uh, है कि गिवन स्टेटमेंट से जो ठीक है आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे क्वेश्चन ठीक है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टेटमेंट इज द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट इज हेल्ड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफर वोट अभी बताइए इसमें से कौन से दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं या कोई एक करेक्ट है या दोनों भी गलत हैं तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने देखे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑफ ऑल दी मेंबर्स पार्लियामेंट इज इट करेक्ट नो इज इट नॉट करेक्ट ऑल दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज है तो स्टेटमेंट वन यहां से गलत हो गया है ना अब स्टेटमेंट वन गलत हो गया तो देखते हैं कि ऑप्शन में स्टेटमेंट वन जिन में भी है वो आंसर uh, गलत हो जाएगा तो ए और सी तो यहाँ से ऑटोमेटिकली कट हो गया तो बचा क्या प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यस हमें पता है कि वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है बैलेट पेपर पर हमें प्रेफरेंस डालना पड़ती है तो इसका आंसर रहेगा टू ओनली ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा इसमें से Election of president is held by the system of proportional representation by the means of single transferable vote. Okay, next question. A bill cannot become an act of parliament unless and until. Now, what is the answer? It is passed by Lok Sabha, it is passed by Rajya Sabha, it gets assent from the president, and it is passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha. Unless and until. तो yes. so, इसका आंसर क्या होना चाहिए अनलेस एंड जब तक बिल लॉ कब एक्ट कब तक नहीं बनेगा जब तक उसको प्रेजिडेंट का एसेंट नहीं मिलेगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यस ऑफ द प्रेजिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन अब इम्पीचमेंट रिमूवल ऑफ प्रेजिडेंट कहाँ पे इनिशिएट हो सकता है लोकसभा में होगा राज्यसभा में होगा आइदर हाउस दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में होगा बताइए ट्राई कीजिए आंसर देने के लिए कहा yes. इसका करेक्ट आंसर है इन आइर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आईर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा में भी हो सकता है राज्यसभा में भी हो सकता है अब उसके बाद में हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रेजिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ फाइव इयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस इज इट करेक्ट पांच साल के लिए टर्म होती है प्रेसिडेंट की सेकंड ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या वो अपना रेजिग्नेशन लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे नहीं हमने अभी देखे वाइस प्रेजिडेंट को देंगे यस वाइस प्रेसिडेंट को देंगे ठीक है तो यहां से यह आंसर गलत हो गया ये सेकंड ऑप्शन जो है तो ऑटोमेटिकली कट हो गया थर्ड ही इज एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन टू दैट ऑफिस फॉर ओनली टू टर्म्स दो साल के दो टर्म के लिए ही क्या वो सिर्फ प्रेसिडेंट रहेंगे नो no. ये कहां का, ये का पे है ये यूएस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट के पास ये ये है कि वो सिर्फ दो बार के लिए रिलेक्ट हो सकता है हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली वन द प्रेजिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईयर्स ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं फ्रॉम द यूनियन एग्जीक्यूटिव आज हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव में से प्रेसिडेंट का बेसिक वाला जो पार्ट है वो देखे हैं आई होप आप सबको समझ आया हो एंड आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो ठीक है सो थैंक यू सो मच थैंक यू मैडम आपने हाँ अनम्यूट कीजिए सर शुक्रिया मैडम आपने काफ़ी अच्छे से समझाया जिसके अंदर आपकी लैंग्वेज भी काफ़ी सिंपल थी एग्ज़ाम्पल भी आपने इतने अच्छे लिए कि बच्चों की कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगे और आपने बुक्स के और मैगजीन के नाम भी काफ़ी अच्छे से दिए मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा अगर किसी के कोई सवाल है तो वो मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए या अपना हाथ रेज कीजिए ओके थैंक यू वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं डॉक्टर रहमान सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स कीजिए डॉक्टर मुन्नीबुर रहमान सर अपना हाथ रेज कीजिए ओके okay, मैं रिक्वेस्ट कर सर आई एम ऑडिबल Yes, how you As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Good evening to one and all. I am Munir Bar Rahman, and it's my privilege to propose the vote of thanks. Let me first of all start by giving glory and thanks to Almighty God. I would like to extend a heartfelt thanks to our resource person, Sabrina Ma'am for presenting a great and knowledgeable lecture today on the topic indian polity separations of power executive president of india she explained so many topic in a very less time uh, she started with the syllabus of indian polity she highlighted about the constitution of india types of constitution why we need of constitution features of indian constitution formation of constitution and functions of indian constitution she also explains about the process of election of a president and she very well uh, explain about the different powers of president, like executive power, legislative power, the veto power. Thank you so much, ma'am. The session was very much informative and you explained it very well. Thank you so much, ma'am. I would also like to express our profound gratitude to our principal, sir, Dr. Mazar Ahmad Farooqi, sir, for inspiring us. And I would like to thank IQAC Coordinator Dr. Aditi Bhattacharya, Ma'am, Coordinator of this webinar series, Dr. Sayed Sultan, Sir, and Organizing Secretary Rais Ahmed, Sir, for their compassion and for constant contribution. I would also like to thank to Dr. Arif Pathan, Sir, for providing all the technical support. I would like to acknowledge the immense contribution of our dedicated faculty members for their moral support, knowledge, and guidance. के अंदर निकले है। जिसके अंदर उसकी एज लिमिट अठारह से सत्तास साल की है ये नोटिफिकेशन आपको आजाद कॉलेज के स्टूडेंट ग्रुप में मिल जाएगा इसके लिंक स्लायर के नीचे दिए हुए है कल का लेक्चर डॉक्टर मोइन फारूकी सर का है मैं माननीय अध्यक्ष साहब की परमिशन से इस सेशन को समाप्त करता हूँ शुक्रिया